नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित गांव रनहेरा के किसानों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए मतदान नहीं करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में किसानों ने जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रेनो प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में रनहेरा गांव के किसानों ने कहा है कि जेवर एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण व विस्थापना में किसानों और मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर पिछले 2 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष किसान अपनी मांगे रख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों के उपेक्षापूर्ण और तानाशाही रवैये से परेशान होकर लोकसभा चुनाव के वह बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। किसानों ने कहा है कि हमारी आबादी की जितनी जमीन जा रही है उसका आधा हिस्सा ही विस्थापन के दौरान दिया जा रहा है, इससे किसान परिवारों को परेशानी होगी। देखो, मेरा नाम है तो ब्रिजपाल, ब्रिजू गांव में कहते हैं, लेकिन अब मैं अपनी पहचान जो चाहता हूं सभी मुझे जाने, मुझे ये जाने कि भाई हाँ, मैं एक जेवर एयरपोर्ट का पीड़ित निवासी हूं, जिसका गांव जमीन सरकार द्वारा जबरदस्ती तरीके से ली जा रही है। तो मैं केवल, मेरी पहचान एक अभी फिलहाल पीड़ित की है। और जो आप ये बात कर रहे हैं कि भाई बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट का इतना नाम हो रहा है देश में कि भाई ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, विश्व का 4th एयरपोर्ट है, लेकिन इसके जमीन अधिग्रहण और जो विस्थापन नीति है उसके जो परिणाम ये हैं कि भाई ये क्षेत्र का तो विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जो उसमें प्रभावित हैं क्षेत्रवासियों का विनाश 100% हो रहा है। मैं उसके बताऊंगा आपको बिंदु के किस प्रकार से विनाश हो रहा है। सर्कल रेट का दोगुना मुआवजा दिया जा रहा है, चौगुना देना चाहिए, जब घर का जो हमको पूरा मिलना चाहिए दोगुना मिलना चाहिए उसको आधा दिया जा रहा है। किसी एक बंदे को रोजगार नहीं दिया, किसी सौर के जो पट्टे होते थे हमारे जो सरकार ने ही पट्टे करे थे उनका कोई पैसा नहीं दिया, और जो भी राशि होती है 5 लाख रुपए की जो ये सहायता राशि होती है विस्थापन की एवज में, उसमें 1 पैसे की वृद्धि नहीं हुई है, और उसमें भी अपार भ्रष्टाचार हुआ। 5 लाख रुपए लेने के लिए 2-2 लाख रुपए उनको वापस देने पड़े अधिकारियों को। जो ये बात हुई थी कि हम चलो मुआवजा आपको कम दे रहे हैं, खुलेआम विधायक जी ने बोला कि चलो भाई हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, पुरानी सरकारों ने खराब करी, हम आपको स्टाम्प शुल्क से मुक्ति देंगे। स्टाम्प शुल्क से कोई मुक्ति नहीं दी, मतलब जमीन आप अपने रेट पे लोगे और हम कहीं पे जमीन लेंगे तो उसमें भी आप स्टाम्प शुल्क लोगे। तो ऐसे करके कम से कम 20 बिंदुओं पे ऐसा है कि एक तो मैं आपको ऐसा उदाहरण बताऊंगा कि जब गांव उठ गया लेकिन उनके 1-1 साल तक बिल चलते रहे, एक मतलब किसान के साथ घोर अत्याचार है। आपको जब गांव बिजली का बिल, अब वो जाओ पूरा गांव उठ गया तो क्या एक डीएम नोटिफिकेशन नहीं कर सकते थे कि इस गांव का बिल नहीं मिलना चाहिए? उन लोगों ने बिल भरा है 1-1 साल के बाद तक का, ये हालत है। शमशान और जो मूलभूत सुविधाएं उन तक के लिए डोलना पड़ा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।